बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त, माशाल्लाह निहारी और खुशबू तो क्या ही बात है। बड़ी ज़बरदस्त सी निहारी तैयार हुई है जनाब यहाँ पे, और मैं आपको सालन भी जो है निहारी का वो दिखाती हूँ। ये देखें कितनी थिकनेस मैंने इसमें रखी है, और बहुत ही इंशाल्लाह आपकी दुआ से बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बनकर तैयार हुई है। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलामुअलैकुम कुक विद पिंकी। जनाब आज कुछ स्पेशल बनने जा रहा है। हाफ कप मैंने यहाँ पे घी ले लिया और उसको मैं गरम करने जा रही हूँ। साथ में ही मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं 4 अदद मीडियम प्याज, जो कि मैं आपके सामने यहाँ शामिल करने जा रही हूँ। अल्लाह के बाबरकत नाम से हमारा जो है निहारी का काम बनाना शुरू हो चुका है, और हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। 4 प्याज़ों को जनाब मैं अच्छी तरह जो है वो मिक्स करके सौते कर रही हूँ, यहाँ तक के ये हल्के ब्राउन कलर जो है वो इनमें आ जाएगा। याद रखिएगा कि निहारी में कच्चापन नहीं चाहिए, ओरिजिनल ब्राउन कलर जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ना ज़्यादा जले हुए हों और ना ज़्यादा ही कच्चे हों। मैंने साथ में 2 अदद जो है लहसुन की गड्डी जो है चाइना लहसुन यूज़ किया था, आज मैंने देसी लहसुन यूज़ नहीं किया, रफली चॉप किया, और वो भी अब इस मौके पे जब हल्की हल्की प्याज जो है ब्राउनिश कलर में आना शुरू हुई है, तो लहसुन शामिल करके अब मैं उसको अच्छे से भुनाई करती जा रही हूँ। साथ में जनाब मेरा बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा लहसुन और प्याज का आना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 3 से 4 अदर टमाटर टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको ये पसंद है टमाटर तो आप डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अदरक जो है मैं इस मौके पे नहीं डालूँगी, मैंने सिर्फ उसको जूलियन कटिंग करके रखा है। आप अगर चाहें तो डाल दें, वरना यकीन करें इस मौके पे अगर आप डालेंगे तो उससे जो है ना फ्लेवर जो है ना वो मज़े का नहीं रहेगा अदरक का, तो आप सिर्फ टमाटर ही डालिएगा। सबसे पहले मैं इसमें, अब प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, यहाँ पे आके जो है मैं चम्मच हिलाने के बाद इसमें जो है आपके सामने शामिल कर दूंगी जनाब चिकन, और स्टेप बाय स्टेप चिकन मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ऑयल जो है देखें माशाल्लाह कितना अच्छा गर्म हो चुका है, चिकन जो ही कलर चेंज करेगा तो फिर हम अपनी रेसिपी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जनाब देखें कलर चेंज हो चुका है, भुनाई अच्छी हो चुकी है और सारा कच्चापन मसाले का दूर हो चुका है। अब यहाँ पे आके जो चिकन, अच्छा ये याद रखिएगा कि मैंने बोनलेस चिकन नहीं लिया, मैंने हड्डी वाला चिकन लिया है, और आपकी मर्ज़ी आप दोनों में से जौन सा यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे एडिशनल मसाला मेरे पास मौजूद है, ये जनाब है चिकन पाउडर जो कि 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया है। आप जो है थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी रेसिपी के हिसाब से। यहाँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून और पिंक सॉल्ट जो है 1 टीस्पून, ये मैं ऐड करके अच्छी तरह मिक्स करूँगी, और इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करने के बाद मैं इसमें जो है आपके सामने 1/2 पैकेट जो है वो निहारी का डालूँगी। ये निहारी मसाला आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मैंने जो है इसका 1/2 पैकेट इसमें शामिल करना है, और 1/2 पैकेट मैं बचा लूँगी जो कि मैं बाद में शामिल करूँगी आपके सामने। बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी तरह मिक्स करने के बाद खुशबू का जो अरोमा आ रहा है ना, क्या ही बात है। अच्छा जनाब ये याद रखिएगा कि इसमें अभी मैंने टमाटर शामिल नहीं किए अपने, और जो ही मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी साइडों से भी अच्छी तरह जो है हम हिला लेंगे, ताकि जो है अच्छी तरह मसाला जो है वो चिकन के अंदर जज्ब हो जाए। अब यहाँ पर आकर मैं जो हूँ इसमें, अच्छा टमाटर जो हैं मैंने उसी में मैश कर दिए थे मसाले में, और अब मैं जो है तकरीबन 6 ग्लास जिसमें से 3 ग्लास में पानी में मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है वो डाला है कॉर्नफ्लोर, और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अच्छा टमाटर और प्याज जो हैं मैंने इकट्ठे ब्लेंड कर लिए थे, उनको फिर भुनाई की थी चिकन के साथ, और यहाँ पे मैंने जो है 3 ग्लास पानी डाल के और उसके अंदर जो है 1.5 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल के इसको पकाने छोड़ा है। मुझे पानी कम लगा तो मैंने इसमें 1.5 से 2 ग्लास और डाल दिए, यानी तकरीबन मैंने ना तकरीबन 6 ग्लास पानी इसमें डाले हैं।
अब मैं यहाँ पे आके हल्के से उबाल के बाद थोड़ा सा इसमें जो है ये और थोड़ा थोड़ा करके जो है शान का मसाला जो है निहारी वो ऐड कर रही हूँ, और साथ साथ में जो है चम्मच हिला रही हूँ ताकि जो है ना मसाला भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए और कोई गिल्ट उसके अंदर जो है वो लम्स ना बने। अच्छा जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बॉयल आ रहे हैं, 2 से 3 बॉयल करने के लिए मैं इसको दम पे चढ़ाऊंगी और फिर दम के बाद ताकि चिकन जो है वो अंदर से अच्छी तरह गल जाए और कच्चापन चिकन का दूर हो जाए और निहारी भी गाढ़ी हो जाए। इसके ऊपर मैं कैप देती हूँ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ऑयल साइडों पे आ चुका है। मैंने इसको ग्रीन चिली, धनिया और पुदीना से गार्निश किया है और अदरक जुलियन कट पोर डाली है। और आप जो है इसको नान या रोटी के साथ सर्व करें और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।